फाइनली आप हम वानोंग पहुंच गए हैं नमकोलोंग होम स्टे में। आप देख सकते हैं नमकोलोंग होम स्टे बहुत ही खूबसूरत है। ये मिशमी ट्रेडिशनल हाउस है, आप देख सकते हैं मिशमी ट्राइब का ट्रेडिशनल हाउस इस प्रकार से होता है। ये रूम बाथरूम है, देख सकते हैं। यहाँ आग लगा के यहाँ रोस्टिंग कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं बाहर का व्यू है ये। वो नीचे में रेस्टोरेंट है नमकोलोंग रेस्टोरेंट। आप लोग वालोंग आने से रेस्टोरेंट में आपको सारा मिल जाएगा, इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड, लोकल फूड एंड बेकरी भी है। आपको ब्रेड, केक जो भी चाहिए वो भी यहाँ मिल जाएगा। तो अभी वालोंग टूरिज्म जो है ओपन हो गया है। हम लोग का अंजाव डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म जो है सितंबर मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सितंबर मंथ जो आ गया है तो वेदर भी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ ठंडा भी हो गया अभी। तो आप लोग वालोंग में आप लोग विजिट कर सकता है डोंग इंडिया फर्स्ट सनराइज, नमती प्लान आप लोग घूम सकता है, और काहो किवीथो ये सब आप लोग घूम सकता है। तो आप लोग को मैं इनवाइट करता हूँ वालोंग में, आप लोग आइए। अभी टूरिज्म ओपन है, हमें कांटेक्ट कीजिए। डिस्कवर फार ईस्ट टूर्स एंड ट्रेवल्स आपको गाइड करेगा, आपको पैकेज भी प्रोवाइड करेगा, गाड़ी, रहना, गाइड सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा डिस्कवर फार ईस्ट टूर्स एंड ट्रेवल्स। वालोंग की भी तो सरकार में हमारा यहाँ पे मियोर ट्राइब एंड मिशमी ट्राइब रहता है, तो हमारा यहाँ में दो ट्राइब मिल के बहुत खुशी से रहता है। ये है नमकोलोंग होम स्टे का व्यू, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वालोंग सर्कल। तो किवीथो आकर कैसा लगा आपको, जगह कैसा लगा किवीथो? अच्छा है ना, अच्छा है ना, टूरिज्म के लिए मस्त है ना। अब हम लोग आप पहुंचे हैं हॉट स्प्रिंग किलाम में। अंजाव डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज हमारा तेजू से हमारा भाई बहन लोग आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से इंडिया फर्स्ट सनराइज डोंग वैली उस पार में है, हाँ। और ये बहुत खूबसूरत एक हैंगिंग ब्रिज यहाँ से होकर के जाता है, आप देख सकते हैं। वहाँ में एक रेस्ट हाउस है, पिछले साल हमने उसमें आर्ट कराया है, बहुत खूबसूरत से आर्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्म पानी निकलता है। और ये हमारा अफोंसो मूवी का नया एक्टर है, जल्दी आने वाला है थिएटर में, आप लोग सब जाइएगा। ये देख सकते हैं गर्म पानी है, पानी गर्म है ना, पक्का गर्म है ना, देख सकते हैं ये सच में गर्म है पानी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ में थोड़ा डेवलपमेंट करने का आवश्यकता है। अरे यहाँ में ऐसे कचरा करके नहीं जाना है, जो भी यहाँ बियर पिएगा, चिप्स बिस्किट जो भी खाते हैं यहाँ कचरा करके मत जाइएगा, यहाँ डस्टबिन में डाल के जाना है। मैं भारत सरकार और अरुणाचल सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जगह को थोड़ा डेवलप किया जाए, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल टाइप में बनाने से बहुत अच्छा होगा। तो इस जगह को थोड़ा सा डेवलपमेंट करने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ में कई लोग आते हैं बाहर से टूरिस्ट घूमने के लिए। मैं लास्ट 2017 से लेकर के आज 2022 हो गया है मैं टूरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ, तो आज तक सरकार की तरफ से यहाँ में कुछ भी इनिशिएटिव लिया नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन बाहर से लोग बहुत आने लगा है, जैसे दिल्ली बॉम्बे से आता है, बेंगलोर से, हैदराबाद से, कोलकाता से आता है, हमारा भारत के हर कोने कोने से यहाँ आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आने से हमारा ये जगह, हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट में एक इकोनॉमी ग्रो होगा,
जैसे यहाँ होम स्टे चलेगा, रेस्टोरेंट चलेगा, यहाँ का जो गाड़ी है उन सब का अच्छा से चलेगा, तो सार में 100 टूरिस्ट आने से भी एक टूरिस्ट कम से कम 5000 खर्चा करके जाएगा, तो 50 लाख रुपया तो हमारा इस जगह पे हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तो शुरुआत में सरकार को थोड़ा इनिशिएटिव लेना बहुत ही आवश्यकता है, बिना सरकार का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश का सरकार, हमारा डायनेमिक लीडर श्री पेमा खांडू जी और हमारा डिस्ट्रिक्ट MLA तसांगलो मैडम जी थोड़ा सहयोग करें, और हमारा टूरिज्म मिनिस्टर श्री नाकप नालो जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने में, डेवलपमेंट होने में थोड़ा योगदान दे, ताकि आज हमारा यहाँ जितने भी युवा युवक जो बिछड़ के बैठे हुए हैं उन सबको एक रोज़गार मिल सके। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। आज भी हमारा साथ में लोहित से काफ़ी लोग आया हुआ है, हमारा ये एक ब्रदर महादीपुर से आया है, और ये ब्रदर है क्या, कहाँ से आया आप? पसीघाट से आया है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तीन गाड़ी आया है, तो इस प्रकार का बहुत लोग आता है यहाँ पे। यह है डोंग और सफकुंग विलेज का ब्रिज है, देख सकते हैं यहाँ से सनराइज जाता है, इंडिया फर्स्ट सनराइज। डोंग वैली का रास्ता है ये, आप देख सकते हैं। आप लोग यहाँ आके एंजॉय कीजिए। हम लोग डिस्कवर फॉर टूर्स एंड ट्रेवल्स, अंजाव डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म, आपको हम सेवा देंगे। आप लोग यहाँ आइए, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट में और हमारा अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग आइए पृथ्वी के कोने कोने से। आप देख सकते हैं नीचे माइटी लोहित रिवर, बहुत ही अनोखा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आप देख सकते हैं। इंडिया फर्स्ट सनराइज डोंग वैली जाने के लिए आपको इस बस्ती से ही डोंग और सफकुंग विलेज से आपको गाइड मिल जाएगा, तो आप लोग को आके बहुत मज़ा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा आप लोग को। तो आप लोग आइए हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, मैं भी आप लोगों के साथ में घूमूंगा, जैसे समय मिलता है मैं भी आप लोगों को गाइड करके ले जाऊँगा। तो आप लोग आइए ज़रूर यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इन लोग से थोड़ा हम बात करेंगे। ये है डोंग वैली, डोंग वैली का ब्रिज से। तो मैडम आप लोग को यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो बाहर बाहर के लोगों को हम लोग क्या करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए ना हमारा जगह में? इनवाइट करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर सुंदर लड़की, मिश्मी लड़की है अंजाव का। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मित्रों आप लोग मेरा साथ बने रहे, थोड़ा सा सहयोग भी कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इस जगह को प्रमोट करना है, हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट को खास करके। ये जो है प्रमोशन जो केवल हमारे लिए केवल नहीं है, ये हमारा समाज के लिए है, हमारा अंजाव का वासियों के लिए, यहाँ का जनता के लिए है। खास करके हमारा मिश्मी समाज में क्या है कि ज़्यादातर कहानी से, दारू से बांधा हुआ है, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए एक कुछ ना कुछ तो हमें एक जरिया ढूंढना होगा। जैसे गांव वाले भी कानी मत पियो, कानी छोड़ दीजिए बोलने से वो लोग एक खराब पा जाता है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा प्लान करके हम लोग उस कानी से हम लोग छुटकारा देना होगा, जितने भी आस कनिया हैं उन लोगों को। तो उसके लिए एक ही अच्छा जरिया है जो ये टूरिज़्म सेक्टर है, क्योंकि टूरिज़्म में हर कोई पैसा कमा सकता है, हर कोई बिजनेस कर सकता है, होम स्टे चला करके, होटल चला करके, गाड़ी चला करके। तो कहीं ना कहीं से हमारा ये समाज में एक इकोनॉमी ग्रो होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग कीजिए और हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म प्रमोट करने में आप लोग हमें सहायता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ।